आज हमारे पास एक सवाल है, क्या एक मेगा स्ट्रक्चर किसी भी खत्ते की तकदीर बदल सकता है या नहीं? सब जानते हैं कि डैम की कितनी जरूरत है और हमें पता है कि डैम इसलिए नहीं बने क्योंकि वो 5 साल के अंदर डैम बनता नहीं है और इसलिए क्योंकि वो इलेक्शंस की डर होता है तो इलेक्शंस की वजह से लोग डैम बनाते नहीं हैं। हमने आगे का सोचना है, हमने वो इलाकों का सोचना है जो पीछे रह गए हैं। फिक्र नहीं कि वहाँ की वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने करना है कि हमने सारे मुल्क को ऊपर उठाना है, एक खित्ते को नहीं ऊपर उठाना, एक शहर को नहीं बल्कि सारे मुल्क को उठाना है। तो आखिर क्या वजह है कि इस डैम की इतनी अहमियत है? क्या आप जानते हैं कि तरबेला डैम के बाद 51 सालों में ये पाकिस्तान का पहला मेगा डैम? क्या आप जानते हैं कि इस डैम से मौजूदा 1,60,000 एकड़ की जरी जमीन को इरिगेशन का पानी फराहम होगा बल्कि मजीद 18,000 एकड़ जमीन भी इससे फायदा उठाएगी जिससे सालाना 2.2 बिलियन रुपए का फायदा होगा। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद डैम की वजह से सालाना 2.86 बिलियन यूनिट्स की सस्ती और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजली बनेगी नेशनल ग्रिड के लिए जिससे पाकिस्तान को 45 बिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ साथ 300 मिलियन गैलन पीने का पानी पेशावर को मैसर होगा जिससे 950 मिलियन रुपीस का फायदा होगा। इसके अलावा इस डैम का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसकी वजह से पेशावर, चारसद्दा और नौशेरा के कई इलाके तबाहकुन सैलाबों से बच सकेंगे जिसकी वजह से 1.5 बिलियन रुपीस की बचत होगी। मोहम्मद डैम की देखिए, ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसको हमने शुरू किया है तकरीबन 1.5 साल पहले और ये मल्टीपर्पज डैम है। इट विल स्टोर वाटर, इसमें पावर जनरेशन है और फ्लड मिटिगेशन एक बहुत बड़ा इसका फीचर है। अनफॉर्चुनेटली जो बड़े सुपर मेगा डैम है हमारे पास तो सिर्फ तरबेला और मंगला है। इसके बाद काफ़ी अरसा जो है हमने इस पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया, इसको टैप नहीं किया। तो इस वक्त हम 10 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें द्यामिर बैशा जो एक मेगा प्रोजेक्ट है वो कर रहे हैं, जिसमें दासू है जिसकी 4,300 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें ये मोहम्मद है इसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, तरबेला 5 है दैट वी हैव स्टार्टेड, हम हरपो कर रहे हैं बुंजी के पास, हम जो है नई गाज दादू शेर में बना रहे हैं। तो कमोबेश 10 प्रोजेक्ट हैं और हम समझते हैं इट्स अ डेकेड ऑफ देम। This is one of the major projects in Pakistan. Our dam is over 200 meters high. It's a rock fill dam and it has a concrete face on it to keep it watertight. We have two diversion tunnels, as you can see here. That's to pass the water while we're building the dam. That's designed for a 1 in 100 year flood, so we can take up quite a bit of water while we construct the dam. और इस तरह इस डैम के जरिए पाकिस्तान को सालाना 51 बिलियन रुपए का फायदा होगा और इसकी कंस्ट्रक्शन से 61,000 खानदानों के घर का चूल्हा चलेगा जिन लोगों को इस डैम के जरिए रोजगार फराहम होगा।